जैसे मैंने बातें की, उन्होंने सबसे पहला मेरे इंटरव्यू स्टार्ट होने से पहले उन्होंने बताया कि मैं सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, जब ये फिल्म मैं लिख रहा था मेरे दिमाग मतलब मैंने आपको सोच कर मतलब मनोज जी को सोच कर मैंने इस फिल्म को लिखा, और मेरे दिमाग में चल रहा था कि इस तरह की ही स्क्रिप्ट मैं करूँगा और मनोज जी से इस तरह से काम कराऊँगा, इस तरह से वो इस सीन पर इस तरह से जाएंगे और इस तरह जब इस तरह से सर जब कोई भी कहता है, क्या फील करते हैं आप? मुझे मुझे बहुत अच्छा लगता है, खास करके जो यंग डायरेक्टर्स हैं जो अलग अलग फिल्म इंस्टीट्यूट से आ रहे हैं, जैसे कि अतनु मुखर्जी सत्यजीत रे फिल्म इंस्टीट्यूट से, बहुत ही प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है। न सिर्फ ये लोग आज की दुनिया के हज़ारों फिल्में देख करके अपनी कहानी लिखते हैं, बल्कि जो आज की दुनिया है वो दुनिया बिल्कुल अलग हो चुकी है, उनके अनुभव बिल्कुल अलग हैं, उनकी यात्रा बिल्कुल अलग है, उनके सोचने का ढंग बिल्कुल अलग है, और जिस तरह की ये लोग परफॉर्मेंस चाहते हैं अपने एक्टर्स से वो उस तो वो बाकी डायरेक्टर्स से बिल्कुल अलग है, क्योंकि ये ये जिस तरह से अपनी कहानी लिखते हैं और जिस तरह से किरदारों को गढ़ते हैं वो तरीका बाकी जो पिछले समय के डायरेक्टर्स थे उनसे बिल्कुल जुदा है। तो ये एक जुदा किस्म का परफॉर्मेंस जो अलग तरीके की अभिनय, अलग तरीके से अब कास्टिंग, अलग तरीके से लिखना, सब कुछ अलग होता है इनका। इनकी जो आशाएं हैं अपने अभिनेताओं से वो बिल्कुल अलग होती हैं। बहुत ही इजी लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा क्लियर होते हैं, बहुत ही क्लैरिटी है, स्पष्ट हैं अपने सोचने में, काम को आपसे लेने में, तो किसी भी तरीके का कोई दबाव न बनाते हुए भी एक अजीब सा दबाव भी बना रहता है आपके ऊपर में, कि चूँकि ये लोग आपसे ज़्यादा कम उम्र के हैं लेकिन आपसे जो अपेक्षा कर रहे हैं वो आपने कभी किया नहीं और वो आपको करके देना है, क्योंकि ये आप न सिर्फ आपके मुरीद हैं, आपके प्रशंसक हैं, बल्कि इस समय वो आपके डायरेक्टर हैं, तो आपके ऊपर में अलग सा दबाव रहता है कि एक आदमी जो मुझे इतना चाहता है, इतना प्रेम करता है, इतना आदर देता है, उसने मुझे अपनी फिल्म में लिया है तो मैं उसको जितना चाहिए उससे भी ज़्यादा करके दूँ। उन्होंने साथ में ये भी बताया कि इतने बड़े एक्टर हैं लेकिन अपने आप को बहुत ही कंट्रोल रखते हैं, बहुत ही सिचुएशन के हिसाब से करते हैं और कोई कुछ प्रेशर उन्हें कभी नहीं दिखाते, जिस तरह से उन्हें बोला जाता है उस तरह से आसानी से करते। जब एज ए डेब्यू डायरेक्टर के साथ में सर आप काम करते हैं, कुछ ऐसे मतलब क्या फील करते हैं, क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि यंग है तो कुछ ऐसा मतलब, क्योंकि आपने बहुत सारी लिखे फिल्में की हैं, अप्रिसिएट वाली फिल्में की हैं, तो जब डेब्यू डायरेक्टर होते हैं तो कुछ क्या फील करते हैं आपके दिमाग में, क्या कुछ चलता है कि किस तरह की स्क्रिप्ट होगी? नहीं, डेब्यू देखिए डेब्यू डायरेक्टर एक नया जब निर्देशक आता है आपके सामने तो वो अपना काम आपके सामने लेके आता है, वो कहीं से भी कुछ छुपाता नहीं है कि उसने पहले क्या किया होगा। उसी तरीके से अतनु मुखर्जी हैं, वो अपना जो भी किया था उन्होंने बताया मुझे कि ये किया है, दिखाया, और जो फिल्म शूटिंग करने वाले थे वो उसका एक ऑलरेडी एक ट्रेलर ये शूट कर चुके थे आदर्श के साथ में, तो वो इन्होंने दिखाया मुझे कॉन्फिडेंस देने के लिए कि वो किस तरह के डायरेक्टर हैं, तो मेरे लिए चीज़ें बड़ी आसान हो गई और मुझे पता चल गया कि किस तरह से ये फिल्म की शूटिंग होने वाली है, किस तरह की परफॉर्मेंस इनको चाहिए, तो वो पूरी तैयारी से आए थे। वो ऐसा नहीं था कि उन्होंने एक स्क्रिप्ट लिख ली और इसके पहले कुछ किया नहीं था और उनके पास कुछ दिखाने के लिए नहीं था, दिखाने के लिए लोगों को कन्विंस करने के लिए, सारे एक्टर्स को कन्विंस करने के लिए, डायरेक्टर प्रोड्यूसर को कन्विंस करने के लिए उन्होंने ऑलरेडी एक छोटा सा क्लिपिंग बना के रखा हुआ था आदर्श के साथ में, जो कि मुझे बहुत ही इंप्रेसिव लगा, बहुत बढ़िया लगा, और मुझे लगा कि मुझे इस कहानी का हिस्सा होना है, भले ही मेरा रोल आदर्श के जितना बड़ा नहीं है लेकिन मुझे इस कहानी का हिस्सा बनना है। मैं इस फिल्म को अपने मनोज वाजपेयी के जो फिल्मोग्राफी है उसमें शामिल करना चाहता हूँ, तो ये लालच मेरी हो गई इस फिल्म का हिस्सा होने। जी, चलिए सर फिल्म रुक की बात करेंगे, जिस तरह से हमने ट्रेलर देखा काफ़ी मिस्ट्री सस्पेंस वाला ट्रेलर है, एक मर्डर हुई है और जो लड़का है वो सर्च कर रहा है, आपके इस ये पूरी की पूरी कहानी है एक 16 साल के बच्चे की, 15-16 साल के बच्चे की, जो कि अपने फादर के पिता के मौत का कारण ढूंढ रहा है। वो कहीं से मानने को तैयार नहीं है कि उसके पिता ने आत्महत्या की है, क्योंकि वो पिता को जिस तरीके से जानता था, एक बहुत ही स्ट्रांग आदमी, एक ऐसा आदमी जो ज़िंदगी की बहुत अच्छी अच्छी सीख उसको देता था, और वो जब हॉस्टल में था तब पिता की मृत्यु हुई और लोगों ने कहा कि सुसाइड किया है। वो कारण ढूंढने के लिए पूरी यात्रा करता है और क्या क्या चीज़ें उसको इस बीच में पता चलती हैं जो कि दिल दहला देने वाली हैं उसके लिए,
लेकिन इस बीच में वो ये भी पाता है कि पिता किस स्थिति से और किस परिस्थिति से गुजर रहा था, परिवार को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, बच्चे की शिक्षा अच्छे से हो इसके पैसे के इंतज़ाम के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि जो पिता के साथ गुजर रहा था उससे सब लोग अनभिज्ञ थे, सब लोग अनजान थे, और उसकी इस खोज में उस बच्चे को अपने पिता के बारे में ऐसी ऐसी जानकारी मिलती है जिससे वो दंग रह जाता है। हम ऐसा माने कि आप उस बच्चे को एक गाइड करने वाले इस फिल्म में हैं। मैं पिता बना हूँ, एक ऐसा पिता जो फिल्म के शुरू में जिसकी मौत हो चुकी है, और इस बच्चे की खोज है कि असली कारण जानने की अपने पिता के बारे में, और कैसे जब कारण जानने के लिए निकलता है तो उसको वो और क्या क्या पहलू अपने पिता के बारे में पता चलती है, इसके बारे में पूरी फिल्म। तो ओवरऑल कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका, आदर्श जी भी हैं? नहीं, बहुत अच्छे, मतलब इसमें अतनु मुखर्जी डायरेक्टर मेरे वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट डायरेक्टर, मैंने इस फिल्म में काम करने के बाद मुझे एहसास हुआ। और पूजा गुप्ते कैमरामैन जो उनकी वाइफ हैं, बहुत ही अमेजिंग कैमरामैन हैं वो भी, सत्यजीत रे फिल्म इंस्टीट्यूट से ही। आदर्श बहुत ही होनहार और प्रतिभावान लड़का है, अभी उसके पास पूरी उम्र बची हुई है और वो लगातार सीख रहा है। अभी एक साल का कोर्स करके भी आया, फिर से जाएगा कोर्स करने, तो अपनी उम्र का बिल्कुल सही उपयोग कर रहा है। और इसमें जो वो सारे एक्टर्स थे जिनकी मैं बहुत कदर करता हूँ, चाहे वो स्मिता तांबे हों जिन्होंने मेरी वाइफ का किरदार किया, या फिर कुमुद मिश्रा हों जिन्होंने मेरे दोस्त का किरदार किया, सब इतने टैलेंटेड प्रतिभावान लोग जो आपके साथ काम करते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बड़ी दुगुनी हो जाती है। ट्रेलर देखा सर, हमने 2.1 मिलियन क्रॉस कर चुका है ये ट्रेलर, जब पिक्चर अभी 27 अक्टूबर को आनी है, और जब इस तरह से ट्रेलर लोगों को अप्रिसिएट किया जा रहा है, आप मानते हैं? या गाना भी देखना हमने, चाहे वो खिड़की वाला गाना हो, लोगों को पसंद आ रहा है, और जब इस तरह से मिलियंस ऑफ व्यूअर्स आते हैं ट्रेलर के ऊपर, तो आप मानते हैं कि ये फिल्म की एक पहली जीत है? या आप बताइए एज एन एक्टर। देखिए, मैं चाहता हूँ कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लोग जाके फिल्म को थिएटर में देखें, उसको जो है किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे या DVD खरीद के या TV पे देखने से ज़्यादा अच्छा है कि जब आप, ये जो दर्शक है जो इस आपके प्रोग्राम को देख रहा है, अगर वो जाके देखता है अच्छी कहानी को, अच्छे डायरेक्शन को, अच्छे सिनेमा को, तो जो वो पैसा देता है वो ज़ाया नहीं होता, क्योंकि अगर वो पैसा इस तरह की फिल्म पे लगाता है तो ऐसी हज़ारों फिल्में बनती हैं। तो ज़रूरी है, आवश्यक ये है कि अगर 2 मिलियन से ज़्यादा इसके व्यूज़ यूट्यूब पे आए हैं इसके ट्रेलर को, तो मैं आशा करूँगा कि वो उससे जो है 4 गुना 5 गुना 6 गुने लोग जा करके इस फिल्म को थिएटर में देखें। और इस तरह की कहानी में, जो मेरा अपना मानना होता है, इस तरह की फिल्में जो हैं एक पूरी अच्छी किताब पढ़ने के बराबर होती है। जब आप इस तरह की फिल्म अपने बच्चे को दिखाते हैं, तो बच्चा आज नहीं, जब वो बड़ा होगा तो वो आपको धन्यवाद देगा कि उसने, मेरे पिता माता पिता ने ऐसी ऐसी फिल्म में मुझे दिखाई थी। तो एक अलग तरीके का एजुकेशन भी है, अलग तरीके का एंटरटेनमेंट है, जो कि मुझे लगता है कि हर जिम्मेदार दर्शकों को प्रमोट करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। सर, यही वो इसी वो फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, यही वो प्रश्न आपसे, जिसकी फिल्म में ऑस्कर तक गई है, के अगर मैं बात करूँ, इस फिल्म से क्या एक्सपेक्टेशन सर आप करते हैं? नहीं, ऑस्कर तक नहीं गई है, अभी इंडिया से हमने भेजा है और आशा करते हैं कि नॉमिनेट हो जाए। और इसके लिए जो है मनीष मुंद्रा और उनकी टीम पूरी कोशिश भी करेगी, और मेरी दुआएं हैं। मुझे बहुत खुशी हुई है कि न्यूटन जो है इनकी अच्छी गई, और भगवान करे कि इस तरह से इस रुख भी जो है लोग इसको सराहें, इसकी प्रशंसा करें, और मनीष मुंद्रा जैसे लोग जो हैं लगातार इस बाज़ार में, इस इंडस्ट्री में बने रहें, ये बहुत ज़रूरी है इस तरह की फिल्मों के लिए। जी सर, अपने फैंस को रूप के जरिए सर क्या कुछ कहना चाहिए? क्योंकि हम देखें रियलिस्टिक में ऐसे कभी कभी इंसान के ऊपर ऐसी कई सारी त्रासदी हो जाती है, जबकि उनके रिलेटिव बैक टू बैक जुड़े दुनिया से छोड़ के चले जाते हैं, इस फिल्म पर यही वो दिखा। देखिए, अब ऐसे लोगों को क्या मैसेज किया जो रियल में ये सारी चीज़ें फेस कर रहे हैं? देखिए, ये आम आदमी की कहानी है, आम लोगों की कहानी है, उनके परिवार की कहानी है, उनके जद्दोजहद की कहानी है, उनके संघर्ष की कहानी है, उनके रिश्तों की कहानी है। तो ये आपकी कहानी है, आप जाइए, और एक तरीके से ये फिल्म हमारी तरफ से आपकी ज़िंदगी को समर्पित है, वो ज़िंदगी जो आप रोज़ जीते हैं, तो ये आपके बारे में है,
आपके जीवन के बारे में, आपके परिवार के बारे में, हम सब के परिवार के बारे में, जीवन के बारे में है। और आइए हम सब लोग मिल करके इस तरह की फिल्मों को आगे बढ़ाएं। एक सवाल सर और सर, कितना आप आराम देते हैं अपनी बॉडी को, घर वाले को कितना टाइम दे पाते हैं, क्योंकि हम देखते हैं रुक के बाद और भी है, बागी में भी है आप जी, और वो एक अयारी में भी, इसमें भी है भोसले भी यारी। तो कितना बॉडी को कितना आराम देते हैं, घर वाले को कितना, कैसे टाइम मैनेजमेंट कैसे सब कुछ कर पाते हैं? देखिए मैं जिस तरह की फिल्में करता हूँ वो 35 दिन में ख़त्म हो जाती है। अयारी नीरज पांडे की फिल्म हुई वो 45 दिन में ख़त्म हुई, 50 दिन में ख़त्म हुई। लेकिन अमूमन बागी 2 कमर्शियल फिल्म है जो कि मेरा काम उसमें 15 दिन का है, समझिए 12 से 14 दिन का। लेकिन वो दोस्तों के लिए किया, अहमद खान और मुकेश छाबड़ा और साजिद नाडियाडवाला के लिए किया है मैंने। लेकिन वैसी फिल्में बहुत कम ही करता हूँ मैं, ज़्यादातर वो फिल्में करता हूँ जो आप लोग देखते हैं या जो मेरी आपको फिल्मोग्राफी में मिलेंगी। इस तरह की फिल्में 35-40 दिन में ख़त्म हो जाती है, उसके बाद मेरे पास बहुत टाइम होता है इस तरह की फिल्मों को प्रमोट करने का, इनकी डबिंग करने का, इनके पोस्ट प्रोडक्शन में हिस्सा लेने का, और आप लोग मीडिया से बात करने का इन फिल्मों के लिए। और उस बीच में बहुत सारा समय होता है, क्योंकि 365 दिन होते हैं साल में, बाकी जो समय होता है वो मेरे परिवार को जाता है, मेरी बेटी को, मेरी पत्नी को और मेरे भाई बहनों को, या गाँव हर साल 1 या 2 बार तो जाता ही। मेरे पास टाइम बहुत है, मैं ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं, जितना मैं मिलता है मुझे फिल्मों से उतने में मैं खुशी खुशी हम लोग गुजर बसर कर लेते हैं। दिवाली आ रही है तो एक हम चाहेंगे कि आपकी तरफ से दिवाली भी अपने फैंस को वाले, दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को मनोज वाजपेयी की तरफ से। मैं सिर्फ इतना चाहूँगा कि जितना कम हो सके पटाखों का उपयोग करें, क्योंकि न सिर्फ इसमें पैसा बहुत ज़्यादा खर्च होता है, बर्बाद होता है, बल्कि जो पैसा इतना सारा बर्बाद होने के बाद जो हम इस धरती को दे रहे हैं वो धरती के लिए अच्छा नहीं है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।